इफ यू टॉक टू एनीबडी हु हैव गिवन द सीईटी एग्जाम, दे विल टेल यू कि टाइम मैनेजमेंट वाज द मेन थिंग. मैथ्स, वर्बल, लॉजिक सब ठीक है, लेकिन उनको मैनेज करना वाज द मेन प्रॉब्लम. काफी लोग का पेपर छूट गया, काफी लोग के साथ गड़बड़ हुआ. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे अ फुल प्रूफ स्ट्रेटजी, जस्ट माय जी स्ट्रेटजी, मेन जी स्ट्रेटजी फॉर मॉक टेकिंग स्ट्रेटजी, जी स्ट्रेटजी फॉर मॉक टेकिंग, विच विल help you increase the score, which will help you manage the test, will you help with everything. So in case you want to join our program, you can call the numbers given in the description box. We're launching our CET22 program, so you can join for the books, mocks, shortcuts, everything as per the new paper pattern. We'll start from scratch. Hi guys, this is a strategy which I made over the last 10 years. Fine, when I was given the CET exam, meri umar itni zyada nahi hai, main tumse ek do saal chota hu us age mein, tum log to malum hi hai. So let's talk about that strategy. This strategy will increase your score by minimum 15 to 20 marks if you have been trying the your pattern versus this new pattern. So let's discuss all the five patterns which are there. Pattern number one, method number one to solve, question number one se shuru karo, bhagte hue jao 200 tak. Fine, everything is jumbled up in the CET paper. Do question maths ka, 3 question verbal ka. Usne kya kiya hai, maths, verbal, logic, jo jisne paper set kiya na wo thoda phook ke aaya tha, usne maths वर्बल एब्स्ट्रैक्ट को लिया, फेंटी मार दी, फेंटी मार के 2 क्वेश्चन मैथ्स, 3 क्वेश्चन डीआई. मतलब यू कांट चूज, यू कांट स्कैन द पेपर एंड डू एनीथिंग. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज क्वेश्चन 1 to 200 सब एक साथ आएगा. सो 1 to 200 भागते हो जाओ, 150 आते आते टाइम अप हो गया, आखिरी के 50 क्वेश्चन छूट गए. बाहर आके तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारा और काटा बोल के कि अरे लास्ट के 50 तो आसान थे. ये मुझे एक मैसेज भी आया कि लड़की का, सर सुना है पीछे के 50 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तो मैं सोच रही हूँ उल्टा शुरू करने का. ठीक है दीदी, आप उल्टा शुरू कर दो 200 से, आपका 150 आते आते टाइम अप हो जाएगा, पहले 50 क्वेश्चन छूट जाएंगे. बाहर आके तुम्हारे भी दोस्त तुम्हें यही चीज़ बोलेंगे, अरे दीदी पहले के तो 50 क्वेश्चन आसान थे. सो वी कांट प्रिडिक्ट इट, सो दिस स्ट्रैटेजी इज टोटली फ्लॉप. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी विच इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, लॉट ऑफ पीपल डू दैट, पहले अपना फेवरेट टॉपिक ढूंढ लो. अभी तो खैर वही नहीं पता अभी क्या फेवरेट क्या नहीं है. पहले मैंने लॉजिक के सारे क्वेश्चन निकाल लिए, पहली बात है 2 मिनट का साइलेंस फॉर द पीपल जो लॉजिक ढूंढने बैठे थे एग्जाम में कि लॉजिक आएगा, लॉजिक के क्वेश्चन आएंगे, तो जो ढूंढ रहे थे उनको 2 मिनट का साइलेंस. स्लॉट 2 वालों को लॉजिक था ही नहीं कुछ. फाइन, तो लॉजिक के क्वेश्चन ढूंढे, फिर मैंने क्वांट किया, फिर मैंने पजल्स की, फिर मैंने एब्स्ट्रैक्ट किया. तुम 200 क्वेश्चन में स्कैन करते नेक्स्ट करते ही रह जाओगे यार, टाइम ही नहीं बचे कुछ करने का. स्कैनिंग करना इज फ्लॉप, 200 क्वेश्चन तुम स्कैन नहीं कर सकते. सो स्कैनिंग का मेथड इज फ्लॉप, रन थ्रू द पेपर मेथड विल फ्लॉप ऑन द एग्जाम डे. यार एक गलत सेट में मेरा जो घोड़ा था ना, जो ये बंदा परफॉर्म करके आएगा, तब मैंने अभी बैटिंग करना छोड़ दिया. जिस घोड़े को बोला ये अपना बंदा टॉप करेगा, वही साला हारा. ठीक है, ये भाई साहब ने हमारे आज 20 मिनट डाले हैं पजल के ऊपर, कैट के लेवल की पजल है, भाई ने ईगो पे ले लिया, आज तू नहीं या मैं नहीं. तो वो सीट वाला बोल ठीक है निकल, तू करते रहे ट्राई 20 मिनट, नहीं रहने का, जान देने का, छोड़ देने का. फाइन, तो स्ट्रेटजी नंबर 3, स्ट्रेटजी नंबर 4 इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी इज फेज वाइज. फेज वन भागते हुए जाओ, पहले सारे इजी क्वेश्चन ढूंढ लो. ठीक है, फिर फेज 2 वापस आओ एंड सारे भारी भारी क्वेश्चन कर लो. सबसे वाहियात स्ट्रैटेजी, दिस स्ट्रैटेजी ओनली वर्क इफ यू आर अ टॉपर. टॉपर मतलब आप 150 पार करने वाले लोग हो, 160 पार करने वाले वो ना इन IBPS वाले पेपर, 150 प्लस वालों के लिए. आम आदमी के लिए ये स्ट्रैटेजी फेल लाइक एनीथिंग. ठीक है, क्योंकि आप पहले तो इन्जॉय कर लिया, जब भारी क्वेश्चन आएंगे, पूरी पजल्स बाकी है, पूरा तुम्हारे भारी भारी मैथ्स पूरा बाकी है, करके दिखा तूने इजी तो कर लिया. पहले आपने पहले वर्बल के सारे क्वेश्चन निकाल लिए, RC छोड़ दिए. फाइन, और क्या आता है, लॉजिक निकाल लिया, क्वांट पूरा छोड़ दिया, पजल्स पूरा छोड़ दिया, ये तो तूने इंजॉय कर लिया. अभी ये कौन करेगा बेटा, एक घंटा इसके तूने रखा हुआ है, पूरा टाइम वेस्ट हो गया. ओके, लेट मी गिव यू फुल प्रूफ स्ट्रैटजी. द मेन प्रॉब्लम इज 200 क्वेश्चन हैंडल करना इज नॉट ईजी. ये सब छोड़ो, इफ आई गिव यू अ छोटा पेपर, इफ आई गिव यू 40 क्वेश्चन का पेपर, कैन यू हैंडल, कैन यू स्कैन द फुल पेपर, कैन यू गो थ्रू द क्वेश्चन जो अच्छे हैं, जो टफ है, मोटिवेशन लेवल हाई, कॉन्फिडेंस लेवल हाई, एवरीथिंग यू कैन हैंडल. यस, 40 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स. वॉट आई एम डूइंग इज आई एम डिवाइडिंग सीईटी का पेपर इन टू छोटे छोटे टेस्ट, 30-40 स्ट्रैटेजी. दिस स्ट्रैटेजी आई यूज
आई इन्वेंटेड व्हेन आई वेंट टू जेबी। अभी ये स्ट्रैटेजी ये साल के अंदर किसी भी कोचिंग क्लासेस ने यूट्यूबर ने किसी ने यूज़ किया उसको प्लीज़ कमेंट में डालना कि साले कॉपी मत कर, ठीक है, अपना खुद का दिमाग लगा। 30-40 स्ट्रैटेजी इज माई रॉकिंग स्ट्रैटेजी विच आई यूज एट माई टाइम एंड आई स्टिल रिकमेंड, बिकॉज IBPS आ गया, पैटर्न चेंज कर दिया तो ये स्ट्रैटेजी फिर काम नहीं आई, अभी वापस काम आ रही है। फाइन, आई एम डिवाइडिंग द पेपर इन टू 5 parts, 40-40 questions, 30-30 मिनट। ट्रस्ट मी, व्हेन आई एम गिविंग द एग्जाम ना, मुझे घंटा भी पता नहीं चलता कि मैथ ज़्यादा है कि DI कम है कि लॉजिक कम है कि वो है कि वो है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे को 40 क्वेश्चन देखने हैं आधे घंटे में। ऊपर लाइट आ रही ज़्यादा, इसको मैं नीचे डाल देता हूँ। 40 क्वेश्चन 30 मिनट्स। आई हैव नो टाइम टू रिलैक्स, आई हैव नो टाइम टू थिंक। हर आधे घंटे के बाद आई टेक अ ब्रेक, आधे घंटे बाद आई कैन टेक अ ब्रेक। स्ट्रैटेजी नंबर वन, दोज वांट टू फास्टन द स्पीड, दिस इज माई 30-40 स्ट्रैटेजी। 40 क्वेश्चन 30 मिनट्स। सेकेंड स्ट्रैटेजी, इसको और दो पार्ट में ब्रेक कर दो, हर 15 मिनट में मेरे को 20 क्वेश्चन देखने। इसमें तो तुम्हारे सांस लेने का सोचने का भी टाइम नहीं है कि पेपर बेकार जा रहा है कि अच्छा जा रहा है। टाइमर सामने रखो, टाइमर का भी थोड़ा चेंज आ गया, पहले 150 आता था, अभी 2 hours 30 minutes करके टाइमर आ रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली मेरे को दो तीन लोगों ने बोला था, उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम आई कि मुझे आदत नहीं थी कि वो टाइमर देखने का, ठीक है। जो भी है यार, उस दिन असर पड़ता है भाई, ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी असर पड़ता है। दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स वंडर। अभी अपने पास स्ट्रैटेजी, जो लोग कल एग्जाम देने जा रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है सोचने का, अप्लाई करने का। बट दोज आर गोइंग फॉर CET 22, इफ़ यू आर जॉइनिंग अवर प्रोग्राम, दिस स्ट्रैटेजी मुझे रट्टा लगवाना है, ठीक है, मुझे आपसे रट्टा लगवानी है स्ट्रैटेजी, ताकि वी गेट यूज टू दिस स्ट्रैटेजी सो मच दैट वी कैन क्रैक CET एग्जाम। एटलीस्ट द टाइम मैनेजमेंट इज ऑन। जिस CET था उससे पूछो कि टाइम मैनेजमेंट वॉज द मेन प्रॉब्लम। मैथ्स वर्बल लॉजिक एक जगह, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम एक जगह। ऑलराइट, सो इन केस वुड ज्वाइन फॉर CET 22, प्लीज कॉल द नंबर्स, व्हाट्सएप द नंबर और कॉल द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो वी कैन स्टार्ट द प्रोग्राम। दिस मंडे वी आर लॉन्चिंग अवर न्यू प्रोग्राम, इन केस यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन अस। ऑल द बेस्ट।